भोजपुर पुलिस ने सड़क से गुजर रहे राहगीरों से बेखौफ मोबाइल स्नैचिंग और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुल 7 सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटे हुए सामान व स्नैचिंग किए गए मोबाइल फोन को बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान लूट को अंजाम देने वाले अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त करने वाले हथियार और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। इस आशय की जानकारी भोजपुर SP विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते कर दी है, जहां पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि चरपोखरी थाना अंतर्गत गढ़हनी बागर रोड में सोहरी गांव के समीप पिछले 7 नवंबर को पोसवा गांव निवासी सुरेश कुमार, जो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर ससुराल जा रहे थे, उनसे दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हथियार बंद अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर उनकी पत्नी के सोने का चैन और लॉकेट की लूट की गई थी, जहां पीड़ित के द्वारा थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर पीरो SDPO राहुल कुमार सिंह के नेतृत्व में चरपोखरी थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के साथ एक टीम गठित कर कांड का उद्भेदन का जिम्मा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी मिली गुप्त सूचना के आधार पर चरपोखरी थाना क्षेत्र के कथराई गांव निवासी अमरजीत चौधरी और मुंशी चौधरी को CRD मोड़ के समीप से गिरफ्तार किया है, जहां पकड़े गए बदमाशों ने लूट की घटना में अपने एक साथी बरही गांव निवासी राकेश चौधरी का नाम बताया, जो दोनों मिलकर दंपत्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम देने में संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद हुए दोनों गुजरात चले गए थे। इसके बाद आरा आने के क्रम में CRD मोड़ के पास पुलिस ने अमरजीत चौधरी को गिरफ्तार किया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त किए गए हथियार और मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि राकेश चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। वहीं दूसरी घटना जिले के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत चनवा मोड़ और सर्किट हाउस के समीप की है, जहां राह चलते राहगीरों से बदमाश बाइक सवार द्वारा लगातार मोबाइल स्नैचिंग का कांड किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से इस कांड को अंजाम देने वाले कुल 6 बदमाशों को अलग अलग ठिकानों पर गिरफ्तार कर बरामद किया है। इनके पास से पूर्व में छीने गए 3 मोबाइल फोन, 2,000 रुपये नकद, घटना में इस्तेमाल करने वाले 3 मोटरसाइकिल और प्रयुक्त किए गए 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस को पुलिस ने बरामद किया है। 7 नवंबर की ये घटना है, 7 नवंबर आज से 2 महीना पहले करीब करीब, ये सुरेश कुमार अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे ग्राम चोहरी के पास, कुछ अपराधकर्मी के द्वारा इनकी पत्नी के पास जो चेन और लॉकेट थी हथियार दिखाकर उसे छीना गया था। उन्होंने FIR दर्ज कर लिया था और अनुसंधान कर रहे थे। मैनुअल इनपुट के आधार पर हम लोगों को पता चला कि इसमें एक अपराधकर्मी है जिसने घटना को अंजाम दिया, जो पहले भी लूट के कांडों में जेल गया है, इसने लूटपाट पहले की है। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार चरपोखरी थाना में जो थे उनको निर्देशित किया गया कि हर हाल में इस कांड को उद्भेदन करें। उन्होंने इसमें काफ़ी शानदार काम किया और लगातार घटना को पीछा किया। देख रहे हैं घटना को हुए करीब 2.5 महीना निकल गया, उसके बाद इन्होंने फॉलो करते हुए उस व्यक्ति को कल रात हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अमरजीत चौधरी नाम का अपराधी है, इसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और घटना में जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया था, काले रंग की वो मोटरसाइकिल थी, हम उस मोटरसाइकिल को हम लोग ढूंढ रहे थे, उसी मोटरसाइकिल के आधार पर ही इसका उद्भेदन भी हुआ है कांड का, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और दूसरा अपराधकर्मी का भी नाम पता चल गया है, दूसरा अपराधी कौन है वो हम लोगों को पता चल गया, उसका भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, घटना का उद्भेदन। शहर से कुछ सूचनाएँ हम लोगों को मिल रही थी, कुछ लोगों के द्वारा मुझे भी फ़ोन पर और विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवगत कराया गया था कि शहर में एक दो जगह मोबाइल छीनने और लूटपाट की घटनाएं हुई। हो सकता है लोग थाना नहीं जा रहे हों लेकिन मोबाइल पर हम लोगों को सूचना दे रहे थे। उस क्रम में हमने एक टीम गठित की थी, DIU की टीम इसमें लगी हुई थी कि कौन अपराधी हैं जो मोबाइल छीन रहे हैं शहर में लोगों का। तो कल हम लोगों को उसमें सफलता मिली, 6 अपराधी गिरफ्तार हुए। इन अपराधियों के पास से इन लोगों ने 17 जनवरी को मोबाइल लूटे थे, तो वो 2 मोबाइल, 1 पिस्टल, 2 कारतूस, लूटे गए 3 मोबाइल 2,000 रुपये हैं और वारदात में जो मोटरसाइकिल उपयोग कर रहे थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसे 17 तारीख को जो घटना घटित हुई थी उस घटना का उद्भेदन हो गया है और FIR दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। तो सर, मोबाइल लूटपाट में ये हथियार कब इस्तेमाल करते थे? हाँ, हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे और उस हथियार को भी बरामद किया गया।